गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुनील विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एसके व्लॉग्स फार्मिंग लाइफ। तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि एक सरी में लगाना है पानी, वो ऐसा गाइस इधर कर रहे हैं हम। अब ले जाएंगे पानी उधर, हमारे प्याज के बगल वाले गेहूं में दो टुकड़े हैं, उधर आपने देखे होंगे, वहां पर लेके जाएंगे। और अभी सुबह हुई है, मैंने मिल्किंग वगैरह की एंड मैं पानी लगा रहा हूँ। एक मिनट गाइस, ऐसा कुछ सीन, ये आगे लगा दूंगा मैं पाइप। सुबह सुबह गाइस सर्दी का माहौल होता है अगर देखा जाए तो। ये पानी आ गया भैया, हाँ। तो गाइस, सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुंचे। तो गाइस, अभी हमने दूध वगैरह निकाला है और बस चाय क्या, आज तो हल्दी का दूध पिया था दोनों भाई ने बैठ के। तो अब यहाँ पर पानी लग जाए, उसके बाद मुझे वहाँ पे जाना है उधर, तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। ये तो यहाँ पर लगा, गए बच गया। अरे यार, ओस में पाँव फिसल जाता गई है, अभी मैं गिरता बचा बहुत। गाइस, गांव की हाइट तो देखिए, ये मेरी हाइट, मतलब अच्छे खासे बड़े हो गए गांव, मतलब गेहूं हमारे तरफ गांव करते हैं हम गाइस मालवी में। ये सीन कुछ ऐसा है कि अभी हमने भैंसों का कामकाज निपटाया सारा, जो सुबह का होता है हमारा, और रात में थोड़े जगे थे, मतलब मैं जगा था तो सोच रहा हूँ थोड़ी देर सो जाऊँ ताकि थोड़ी थकावट दूर हो जाए। ये देखिए एडिटर साहब क्या कर रहे हैं। ये हमने अभी कामकाज किया था, घर से आ गए, अब वो पानी वानी फिरेंगे 2 बजे तक। गए लाइट गई, पानी गयो, पानी फूट गया हॉल में। हाँ तो गाइस, कुछ ऐसा सीन है। तो अभी सोच रहे हैं सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, घंटा 2 घंटा, उसके बाद वापस अपना काम करना है। हाँ तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा सा फीका है ना, वो इसलिए क्योंकि मैं अभी जस्ट उठ के आया हूँ, थोड़ी देर के लिए सो गया था। रात को हरवान भरे गई, मतलब 4 घंटे पानी फिरा, जैसे 11 बजे तक तो कोई सोता ही नहीं है तो मैं सोया नहीं था, और 11 बजे लाइट आ गई तो 11 से 3 साढ़े 3 तक मैंने पानी फिरा। गई तब तक थोड़ा सा जगह रात में, तो अभी थोड़े टप्पे आ रहे थे, मैंने कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, तब तक एडिटर साहब ने पानी वगैरह चलाया यहाँ से वहाँ तक। और अभी मैं उठा और 2 बजे उठा, भैंस को पानी वगैरह पिलाया और आ गया। तो गाइस, खेती में ऐसा ही है, हार्ड वर्क ज़रूर मांगती है खेती। ये देखिए हमारे ये प्याज का बीज है, ये मतलब अभी बीज इसमें, एक मिनट, गाइस ये देखिए बीज इसमें से निकलेगा, इसमें से अंदर से निकलेगा बीज। ये हर एक पत्तों के बीच में से बहुत सारे ऐसे लंबे निकलेंगे, मतलब डंडी बोल सकते हो या हमारे इधर भोंगे बोलते हैं, तो बहुत सारा भोंगा निकलेगा इसमें से, एक एक करके बहुत सारा। ये एक ही प्याज है, ये जो गोड़ देख रहे हैं, ये एक ही प्याज में से इतने सारे निकले,
और इतने सारे पत्तों में से बीच में से एक बीच का डंठल निकला और बीच का डंठल में ये आया है। देखिए तो ये खिलेगा, इनमें से फूल निकलेंगे बहुत सारे, जैसे ये निकल रहा है देखिए, ये फूल निकल रहा है। अब फूल के बाद सीधे खिल के बहुत सारा, इतना बड़ा फूल हो जाएगा। उन फूल में से बीज रहेंगे अंदर, बीज रहेंगे, वो पकेंगे, काले पड़ेंगे और फिर पककर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इतने सारे प्याज बोए इस साल, यहाँ तक ये सरी वहीं तक ही है, वो जो पेड़ देख रहे हैं वहीं तक ही है सरी। और अब हमारे गेहूं भी फूल की तैयारी में है। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार इनमें फूल आ जाए, चने में, हमारे चने में फूल आ जाए और गेहूं में फूल आ जाए, उस टाइम ठंड भी पड़ती है, तो गाइस वो ठंड से बच जाने चाहिए, नहीं तो जल जाएंगे। मतलब ठंड उसको जमा देती है चने को, तो वो जल जाते हैं। मतलब वैसा जलना नहीं जो आग से जलते हैं, जमने का मतलब जम के वहीं पर सिकुड़ के ख़त्म हो जाते हैं, जो भी दाने होते हैं तो दाने, फूल होते हैं तो फूल, ऐसे गेहूं का भी है। तो गाइस ऐसे ख़त्म हो जाती है तो पूरी की पूरी फसल ख़राब हो जाती है, तो हम कुल मिला के बर्बाद हो जाते हैं। तो गाइस इसी पे तो निर्भर है यार। मोबाइल को मैंने ऐसे रख दिया है, अब बैठ के बातचीत करते हैं। और बताइए आप सब कैसे हो। मैं आज टी शर्ट पहन के आ गया हूँ गाइस, अभी एक महीने से तो शर्ट ही पहन रहा हूँ, आज मैंने सोचा कि यार टी शर्ट पहन के आते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। एडिटर साहब पानी बदलने चले गए हैं और मैं हमारे जामफल, देखो यार मोबाइल को है ना, स्मार्टफोन को, ये मतलब कैमरे को जब तक हाथ में नहीं पकड़ते हर एक व्यूज़ को डायरेक्टली दिखा नहीं सकते। अब मैंने यहाँ पर रख दिया था तो मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो सब आप सुनेंगे, लेकिन बताने में, जो भी चीज़ बताने में काफ़ी, एक मिनट बैक व्यू देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो गाइस मैंने कि जैसा पिछले व्लॉग में बताया था कि ये जो चारों केले है, मतलब ये केले के पौधे, बनाना ट्री, ये मैंने आज से दो ढाई साल पहले लगाए थे। ढाई साल में देखिए घर की जो रौनक है कितनी अच्छी बना दी, मतलब कुछ देखते ही बनता है काफ़ी। तो मुझे बस ये चाहिए, मुझे चाहिए ये कि एक उसका ट्री होना चाहिए हमारे इधर, एक तो अशोक का होना चाहिए और काफ़ी अच्छे लगते देखने में, और लंबे लंबे से, और एक नारियल का होना चाहिए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नारियल का पौधा लाऊं मार्केट से, या फिर एक पूरा का पूरा नारियल बो दूं अंदर ज़मीन में तो वो उगाएगा, क्या सक्सेस होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अशोक तो मैं लेके ही आऊँगा, एक अशोक का पेड़ बोया है पापा ने, मतलब चार लगाए थे, चार में से एक जिंदाबाद है अभी फ़िलहाल, तो वो वहीं पर है जहाँ पर हमारी पपीता है ना, बाबूजी के ज़माने वाली पपीता, वहाँ पर है। तो काफ़ी मतलब हार्ड वर्क करके खेती को अच्छे से बना रहे हैं धीरे धीरे, हर एक जगह आप देख ही सकते हैं। हाँ तो गाइस देखिए शाम हो चुकी है और जो धर्मराज अभी अस्त गया, सनसेट हो गया है। तो गाइस अरे यार ये किसने यार, गाइस देखिए ये हमारी दादी माँ ने मतलब अवड़ी पैसे ही भेड़ा करी के रखा था, ये अवड़ा हूँ बहुत सारा, मतलब बहुत सारा समेट के रखे थे, काफ़ी टाइम हो गया किसी ने यहाँ से उठाया नहीं इनको, और पूरे के पूरे सूख गए, क्या करें इनका यार।
गलती हो गई हमसे, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ज़रूर बोलूँगा यार घर वालों से कि ये आंवले, इतने सारे आंवले बिगड़ गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, अभी तो मैं मिल्किंग वगैरह करता हूँ। अभी पापा ने एक आधी भैंस का दूध निकाल लिया है। अरे यार बहुत सारे आंवले बिगड़ गए यार, क्या क्या करेंगे इनका। चलो ठीक है, अभी तो करते हैं अपना काम काज। बोलूँगा मैं दादी माँ से, यार किसी ने उठाया ही नहीं आंवले यहाँ से। ठीक है हाँ, तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि अभी समथिंग 12 से पार हो गया काटा, 12 बज गए हैं, मतलब 12:15 12:30 ऐसा कुछ हो गया टाइम। और मैं फेर रहा हूँ पानी, खेत पर हूँ इस समय। नाइट हो गई है, नाइट की आधी रात हो गई अब तो यार। तो गाइस मैं यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर हाथ सेक रहा हूँ, ये अंगारे लगाकर, लकड़ी वगैरह लगाकर चूल्हे में। आज गाइस हुआ ये कि पापा जल्दी जल्दी में, मतलब पापा ने दूध निकाल लिया था और मैं जल्दी जल्दी में दूध भूल गया यहाँ पर रखना, और आज चाय नहीं बनी। तो मुझे ऐसे ही जागना पड़ रहा है, सिर्फ हाथ सेक सेक कर काम चलाऊंगा आज। और रखना था यार चाय, रखना था, मतलब मुझे गाइस चाय के बगैर तो मेरा काम नहीं चलता बिल्कुल भी यार। हाँ तो ऐसा सीन है। अब पानी क्या है कि अभी लाइट 3:15 बजे तक चलेगी, और मैं पानी वगैरह फेर के फिर सो जाऊंगा। तो गाइस बताइए कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही।